नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ITR क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों हमें भरना चाहिए, लोन लेने में इसका क्या फ़ायदा होता है, अगर हम नहीं भरते हैं तो इसके क्या नुकसान होते हैं। ITR को लेकर आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा आज की इस वीडियो में। ये चैनल नया है लेकिन यहाँ पे जानकारी बहुत सटीक मिलती है और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। बात करेंगे ITR के बारे में। देखिए ITR, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, यानी इनकम टैक्स जो रिटर्न होती है उसी को हम कहते हैं ITR, और ITR हमें फाइल करनी पड़ती है। अब सबसे पहला जो डाउट है लोगों के दिमाग में वो ये है कि क्या सबको ITR फाइल करनी चाहिए, और ITR जो लोग फाइल करते हैं क्या उनको टैक्स देना पड़ता है, ये सबसे बड़ा डाउट है। तो पहले मैं ये डाउट को क्लियर कर देता हूँ। देखिए ITR उन लोगों को फाइल करनी चाहिए जो लोग पैसा कमाते हैं, यानी कि अर्निंग करते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस करते हैं या फिर कहीं भी जॉब करते हैं या प्रोफेशनल है, मतलब जो भी व्यक्ति अर्निंग करता है वो ITR फाइल कर सकता है। और अगर आप अर्निंग नहीं करते तो फिर आपको ITR फाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ITR जो फाइल होती है वो आपके पैन कार्ड के बेस पे होती है, यानी कि आप जब बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पे आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। पैन कार्ड PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, ये एक ऐसा नंबर होता है जिसपे आपकी लाइफ में जितना भी पैसा आता है और जाता है, जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो इस नंबर के से लिंक होते हैं, तो बैंक में जितना भी पैसा आएगा पता चल जाएगा कि भाई इस पैन कार्ड धारक को इतना पैसा मिला है, समझ गए। तो ये होता है पैन नंबर, इसके बिहाफ पे आपकी जो इनकम है वो डिसाइड होती है। तो अगर आप पैसा कमाते हो तो आपको ITR फाइल करनी चाहिए। कितने पैसे कमाते हो जब ITR फाइल करनी चाहिए, और क्या ITR फाइल करने का मतलब टैक्स भरना होता है? देखिए ITR फाइल करना अलग चीज है, टैक्स भरना अलग चीज है, दोनों चीजें अलग है। तो बहुत ज्यादा डाउट्स होता है लोगों को कि अगर ITR फाइल करेंगे तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए हर साल जब बजट पास होता है तो गवर्नमेंट जब बजट पास करती है, और ये साल जो मैं बोल रहा हूं ना ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होता, ये हमारा नॉर्मल ईयर होता है। लेकिन जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो होता है फाइनेंशियल ईयर, और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। इस ईयर के अंदर आप जितना भी पैसा अर्न करते हैं, चाहे जॉब के थ्रू करें, चाहे आप बिजनेस के थ्रू करें, आप प्रोफेशनल, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी के भी थ्रू आप पैसा जो है अर्न करें, तो यहाँ पे आप ITR तो फाइल कर सकते हैं। ITR फाइल करने का मतलब सीधा सा अगर एक लाइन में समझाऊं तो गवर्नमेंट को ये जानकारी देना है कि मैंने इस साल में कितना पैसा कमाया है, इसका मैं ब्यौरा दे रहा हूं। हालांकि गवर्नमेंट अगर चेक करेगी तो आपके पैन कार्ड के बेसिस पे वैसे भी वो चेक कर लेगी, लेकिन मैं अपना ईमानदारी से ब्यौरा दे देता हूं ITR फाइल करके कि भाई साहब मैंने इतना पैसा कमाया है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट की जब हर साल बजट आता है तो एक स्लैब बनाई जाती है इनकम टैक्स की। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप 2.5 लाख से अगर ज्यादा कमाते हैं तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, उससे ज्यादा कमाते हैं तो इतना परसेंट देना पड़ेगा, कभी 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो देना पड़ेगा। अभी अगर मैं फिलहाल की बात करूं 2022 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 5 लाख रुपए से अगर आप कम कमाते तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और 5 लाख से ऊपर आप कमाते हो तो आपको टैक्स देना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो 5%, 10%, 20%, 30% तक ये जाता है जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है। अब यहां पे मान लीजिए एक साल में 5 लाख रुपए तक की लिमिट है, 5 लाख रुपए से आप कम कमाते तो आपको टैक्स तो नहीं देना पड़ता। अब मान लीजिए आपके दिमाग में एक सवाल आया कि भाई मैंने लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल से 31 मार्च का, उसमें मैंने 4 लाख रुपए ही कमाए, तो क्या मैं ITR फाइल कर सकता हूं? आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ITR फाइल करने का मतलब टैक्स भरना होता ही नहीं है। ITR फाइल का मतलब यह है कि भाई मैंने 4 लाख रुपए कमाए इस साल में, कहां से कमाए हैं, कैसे कमाए, इसका ब्यौरा मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट कहेगी कि आपकी जो जानकारी में मिल गई आपने 4 लाख कमाए, लेकिन क्योंकि हमारी टैक्स स्लैब में 5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं, तो मतलब आपको टैक्स नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ ITR ही फाइल करनी है, समझ गए। अब यहां पे बात करते हैं कि और इसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आपने सोचा होगा कि यार मेरे पड़ोस में तो लोग पैसा कमा रहे काफी, कोई ITR फाइल ही नहीं कर रहा, तो मैं ही क्यों करूं? तो इसका मेन नुकसान क्या है वो आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो इसके 2 बेसिकली नुकसान होते हैं। अब वो 2 नुकसान क्या है वो मैं बताता हूँ। पहला नुकसान तो ये है कि मान लीजिए आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या बिजनेस या कुछ भी कर रहे हैं, आपने कहीं से पैसा लिया, लेट्स से आपने 50,000 का कोई पेमेंट लिया, किसी ने आपको पैसा दिया और उस पर उसने TDS काट लिया। मान लीजिए उसने आपको 1 लाख रुपए दिया लेकिन 10% TDS काट लिया। TDS होता है टैक्स डिडक्शन सोर्स। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो TDS के लिए एक अलग से वीडियो बन सकता है और प्रॉपर उसको समझाया जा सकता है, अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। तो 10% TDS कंपनी ने काट लिया
और वो टीडीएस जो है वो आपका गवर्नमेंट को जमा करा दिया कंपनी ने आपके पैन कार्ड पे, आपके बियाप पे, और आपको 90,000 का पेमेंट कर दिया। अब मान लीजिए आपने पूरे साल में ऐसे करके 4,70,000 रुपए ही कमाया, तो आप पे टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो टीडीएस उसने जमा करा दिया वो आपको वापस मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी आईटीआर भर देंगे कि भाई हमने तो गवर्नमेंट को, हमें ब्यौरा देंगे, हमारी जानकारी देंगे कमाई की, कि हमने तो 4,70,000 ही कमाए तो हमारा टैक्स तो फ्री है, क्योंकि 5,00,000 तक की स्लैब है फिलहाल। ये स्लैब हर साल चेंज होती है, तो जब आप भर रहे हो तो आप देखिए, तो जो टीडीएस आपका कटा है, जैसे 10,000 रुपए कटा हुआ है, वो पैसा आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा, आपके बैंक में आ जाएगा विद इंटरेस्ट। तो एक तो टीडीएस को जब हम वापस लेना होता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। पहला तो ये नुकसान हो जाता है, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो आपका टीडीएस वापस नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान देखिए, आप जो भी पैसा कमा रहे हैं किसी भी तरीके से, आजकल सब कुछ डिजिटल है, तो गवर्नमेंट ने हर जगह पैन कार्ड लिंक करवाया हुआ है। पैसा ले रहे हो आप, पैन कार्ड लिंक है, बैंक में पैन कार्ड लिंक है। तो अगर आप ज्यादा पैसा कमाते तो भाई क्या होता है कि जब बैंक में ट्रांजेक्शन होते हैं तो बैंक भी ये जानकारी इनकम टैक्स को देता है, तो वो टैली करते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपने पैसा तो ज्यादा कमाया है लेकिन आपने टैक्स भरा नहीं है। मान लीजिए आपने 7,00,000 रुपए कमाया, 10,00,000 रुपए कमाया, 20,00,000 रुपए कमाया, और आपने सोचा कौन भरेगा यार आईटीआर, आपने नहीं भरा, और गवर्नमेंट क्या पकड़ में आ जाते हैं तो सारा का सारा आपसे टैक्स भी लेगी, पेनल्टी लेगी, और काफी सारा आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। तो ये दो तो नुकसान है। अब फायदे की बात कर लेते हैं, अगर हम आईटीआर भरते तो हमें फायदे क्या है। तो पहला फायदा तो ये कि दो जो मुसीबतें मैंने अभी बताई है इनसे आप बचे रह सकते हो, यानी आपका टीडीएस भी टाइम पे आपको वापस मिल जाएगा और आपको कभी इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा जिसका आपको जवाब देना पड़े। अब बात करते हैं दूसरा फायदा है, आप एक एज ए इंडियन ऑनेस्ट भी हो, क्योंकि सही मायनों में जो देश की सेवा करना होता है वो भाई टैक्स भरना भी होता है। मैं भी अपना टैक्स भरता हूं, तो मैं एक तरीके से एक ऑनेस्ट इंडियन हूं कि मैं अपने देश के लिए अपनी कमाई में से जो टैक्स का हिस्सा बन रहा है वो दे रहा हूं। तीसरा इसका फायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपको कभी लोन लेना पड़ जाए, तो जब आप लोन लेंगे बैंक से तो बैंक कहेगा कि 3 साल का आईटीआर दिखाइए। वो ये देखना चाहता है कि आपने 3 साल में कितना पैसा कमाया। अब वो आईटीआर में समझेगा कितने रुपए के आपने आईटीआर भरी है, तो आपने कितना पैसा कमाया, आपकी पर ईयर ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो आपको लोन देगा। तो एक ये भी बेनिफिट होता है। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट होते हैं जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। तो लेकिन अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आईटीआर का मतलब टैक्स भरना नहीं होता, सिर्फ अपनी कमाई की जानकारी गवर्नमेंट को देना होती है। यहां पे दो चीज मैं और ऐड करूंगा। मान लीजिए आपने सपोज 10,00,000 रुपए कमा लिया और आपका मान लीजिए 10,00,000 में टीडीएस भी कट गया, 50,000 टीडीएस भी कट गया। अब अगर जब मैं आईटीआर भरूंगा तो भाई 10,00,000 तो ज्यादा है, स्लैब 5,00,000 की है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा जितना भी टैक्स बनता है वो जो 50,000 मेरा टीडीएस कटा है वो माइनस होके ही जो बाकी बचेगा वही टैक्स मुझे देना पड़ेगा, यानी वो जो टीडीएस कटता है वो अपना ही होता है। अब बात करते हैं दूसरा बोनस टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि देखिए इसमें क्या होता है। मान लो टैक्स स्लैब ये है कि 5,00,000 से ऊपर अगर आप अर्निंग करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में तो ही आप पर टैक्स एप्लीकेबल है, लेकिन इसके अलावा आपको काफी सारी छूट मिलती है, 1010D, 80D, 80C, वो छूट का भी आपको बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे एक छूट मिलती है कि आप 1,50,000 रुपए की 5 साल के लिए एफडी कराते हैं तो वो आपके इनकम में से कम हो जाती है। यानी मान लीजिए आपने 6,50,000 रुपए कमाए और आपने 1,50,000 की एफडी करा दी तो उसकी छूट मिल गई 1,50,000 की, तो 5,00,000 इनकम मानी जाएगी तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 5,00,000 की स्लेब है। ऐसे एफडी कराने पे होता है, इंश्योरेंस कराने पे होता है, बहुत सारे टैक्स में जो है नियम है। तो कुल मिला के आपको आईटीआर भरनी चाहिए, और आपके दिमाग में जितने भी आईटीआर को लेकर डाउट तो मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी कोई अगर डाउट आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर मुझे लगेगा कि इस पे एक और वीडियो बनाया जा सकता तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पैसे की बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाती है जो कि बहुत जरूरी है जीवन में पैसे की बात को समझना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें, अपना मनपसंद कमेंट भी करते रहें। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।